So very good morning to class 10 students of St. Paul High School. So in this video, we'll be talking about ionic bonding, okay? In the last video, we have been talking about causes of chemical bond, and what is chemical bond and what is Cosell Lewis theory. And this Lewis symbol, actually the scientist G.N. Lewis has used the element's name, element symbol and this dot to represent their elements also and their valency also. This valency is very, very important because now what we are going to do, you will going to understand very much better if you know the valency of the electrons. Okay, so samajh mein aayega, aapka understanding thoda acha hoga. So in this video, we'll be talking about ionic bonding. Now, ionic bonding is what, for example? Okay, samajhna padega. Ionic bonding basically ek kisim ka charge hota hai. If an atom of an element, either the atom will going to lose an electron or either that atom will going to gain a electron. Ya to wo लूज करेगा या तो वो गेन करेगा. ऐसा वो क्यों कर रहा है? ताकि वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए. बिकॉज यू नो देयर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स विच आर नोबल एलिमेंट एंड अदर आर नॉट नोबल एलिमेंट. दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड सम ऑफ द वेरी वेरी रिएक्टिव एंड सम ऑफ द लेस रिएक्टिव. सो जो भी है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, नोबल एलिमेंट्स बनना चाह रहे हैं. नोबल एलिमेंट्स कब बनेंगे? जब उन लोगों का वैलेंसी जो हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा. अगर जैसे किसी का वैलेंसी वन है, तो या तो वो उसको वन वो उसका वो वन इलेक्ट्रॉन उसको वो लूज करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. तो ये हम समझेंगे आज के वीडियो में. तो पहले हम आयोनिक बॉन्डिंग समझते हैं. नाउ व्हाट इज दिस आयोनिक बॉन्डिंग? ओके, आयोनिक बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज वेरी सिंपल थिंग. इफ एन इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू लूज अ इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबल, फॉर बीइंग स्टेबल, और इफ अ इलेक्ट्रॉन और इफ एन एटम विल गोइंग टू गेन एन एटम, देन इट विल गोइंग टू बी स्टेबल. ये है आयोनिक बॉन्डिंग. ये लूज और टेक में एक किस्म का चार्ज क्रिएट हो रहा है. क्या केयर क्रिएट हो रहा है? चार्ज. एक बात समझे, अगर आप किसी को पैसा देते हो, पैसा देना इज अ गुड थिंग, पॉजिटिव. मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, इफ एन एटम विल गिव एन इलेक्ट्रॉन, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. किसी को पैसा देना, जरूरत के टाइम पैसा देना अच्छी बात होती है. तो वैसे ही समझे, अगर कोई एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, किसी और एटम को दे रहे हैं. अपना एटम, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ शेयर कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज. अगर कोई एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई एटम, मतलब मिल रहा है. आपने किससे पैसा लिया और आपने पैसा नहीं दिया, तो बुरा बात है कि नहीं है, तो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड. ये पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. कोई भी एटम नेगेटिवली चार्ज कब होता है, जब वो एटम जब भी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड. इतना समझ में आया होगा आपको. ये देख लीजिए एक बार डेफिनेशन. एन आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज दैट इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स द वैलेंसी सेल ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू द वैलेंसी सेल ऑफ अनदर एटम. द एटम दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज. जो एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. व्हेन द एटम दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज. और जो एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. ये जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ये हो जा रहा है आयोनिक बॉन्डिंग. वो एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक साथ में बॉन्ड बनाएंगे. An ionic bonding can be defined as the electrostatic force of attraction existing between the cation and anion. Cation anion क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि positively charge और negatively charge है, इसलिए cation और anion है. एक atom हो जाएगा negatively charge और दूसरा हो जाएगा positively charge. Formed by complete transfer of electron, एक transfer हो रहा है electrons का from an atom of an electropositive इसलिए element to that of the electronegative element. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दे रहा है, जो एलिमेंट दे रहा है वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और जो एलिमेंट रिसीव कर रहा है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है आपको, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl कैसे बनता है. एक्चुअली देखिए, सोडियम का वैलेंसी 1 है, ठीक है, क्लोरीन का वैलेंसी 7 है, ठीक है. तो देखियो, सोडियम में एक एक्स्ट्रा है, क्लोरीन में एक कम है, क्योंकि जो इसका फर्स्ट सेल है उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, पर सेकंड सेल में कितना होना चाहिए, 8. थर्ड सेल में भी कितना होना चाहिए, 8. पर इधर है 2, 2, 4, 5, 6, 7, एक चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसको एक लूज करना है. तो सोडियम का जो आपका सोडियम एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और क्लोरीन का जो एटम है, वो एक एटम क्या करेगा, गेन करेगा.
तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये बन रहा है, ये बन जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज और ये बन जा रहा है नेगेटिवली चार्ज, और इन लोग पेयर बनाएगा, इसलिए हो गया NaCl। वैसे यहां पर है फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हाइड्रेट। वैसे इन लिथियम, लिथियम्स वैलेंसी इज 1 एंड हाइड्रोजन इज वैलेंसी इज 1। इसको लूज करना पड़ेगा और इसको गेन करना पड़ेगा। तो लिथियम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये हाइड्रोजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, लिथियम हाइड्राइड। ओके, उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड? इन दिस कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम वैलेंसी इज 2 एंड दिस ऑक्सीजन वैलेंसी इज ऑल्सो 2। इसको लूज करना पड़ेगा और इसको गेन करना पड़ेगा, और यहां पर तो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा स्टेबल और ऑक्सीजन भी हो जाएगा स्टेबल। कैल्शियम ने लूज किया इसीलिए हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ऑक्सीजन गेन किया इसलिए ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है। देखो हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से भी होता है बैलेंस। जैसे कि मैग्नीशियम का है वैलेंसी 2, ये दे सकता है किसी भी एटम को 2, और क्लोरीन का है 1। इन दोनों पेयर कब बन पाएगा? नहीं, ये क्लोरीन का पेयर कब बनेगा? जब क्लोरीन होगा 2, इसलिए MgCl2 लिखा हुआ। देखो एक एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेगा और दूसरा एक्स्ट्रा एटम कौन लेगा? दूसरा क्लोरीन लेगा, तो इसलिए MgCl2 है। एक बार फिर से बताता हूँ, MgCl2 क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम वैलेंसी इज 2 एंड क्लोरीन वैलेंसी इज 1। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एक एक कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, इसलिए क्लोरीन कितना होना पड़ेगा? क्लोरीन होना पड़ेगा 2। इसलिए यहां पर MgCl2 लिखा हुआ है, ताकि ये मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और वो हो जाए स्टेबल। ये है आयोनिक बॉन्डिंग। और लास्ट है सोडियम फ्लोराइड का। सोडियम फ्लोराइड NaF फॉर्मूला है। सोडियम का तो Na है, इसका एक ज्यादा होता है, और ये फ्लोरीन का लास्ट सेल में 7 है, एक चाहिए इसको। तो सोडियम क्या करेगा? एक लूज करेगा, और फ्लोरीन क्या करेगा? एक गेन करेगा। तो सोडियम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और फ्लोरीन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड देख लेते हैं। नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इन एन आयोनिक बॉन्डिंग टू ऑपोजिटिवली चार्ज आयन्स जस्ट टच ईच अदर एंड अ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑकर एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दस ईच आयन इज सराउंडेड बाई ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। इसमें एक किस्म का चार्ज डेवलप हो रहा है, एक पॉजिटिवली चार्ज भी क्रिएट हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो रहा है, जो कि बहुत हैवी होता है, जो कि नॉन डायरेक्शनल है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, पर एक चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। हार्डनेस, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑपोजिटिवली चार्ज आयन, इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल एनर्जी टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड, हेंस द आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड स्टेबल। जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड और स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि दो ऑपोजिट चार्ज है और वो दो ऑपोजिट चार्ज ऐसे कंबाइन नहीं हो रहे, एक एनर्जी चाहिए होता है उनको, तभी वो कंबाइन होते हैं, इसलिए इन लोग हार्ड होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई एंड लो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन ये आयोनिक कंपाउंड जो भी होता है उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, आयोनिक सॉलिड्स आर पुअर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द अपोजिट एंड नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन एंड हेंस कैन नॉट मूव इवन इफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन देम। जो भी आपके आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि उनमें ऑलरेडी फिक्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं होती। सॉल्युबिलिटी, आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली सॉल्युबल इन वाटर है और एंड इनसॉल्युबल, मिलते नहीं है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर मतलब कोई सॉल्वेंट में, पानी में अगर आप बेंजीन मिलाया है आपने या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया है, तो उसमें ये आयन्स कंबाइन या वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। So in this video we have learned about ionic bonding. So you can make notes. The most important question here can be the structure. Ionic bonding का आपको structure बनाने को बोल सकते हैं, ये example दिखाया था मैंने, और दूसरा पूछ सकता है आपको properties of ionic compound. या तो आपको ये पूछेगा properties of ionic compound, या तो आपको ये structure बनाने को बोला जाएगा। I hope आपको समझ में आया होगा। So in the next video we'll be talking about covalent bonding, and after that our chapter will going to finish. Okay, thank you.
I hope everyone is good at their house. So stay safe. Thank you.